आइए भाइयों बहनों, नमस्ते सबको। सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे और दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रीय गीत के साथ आज का हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। दीप प्रज्वलन के आप सभी के बिहाफ पर यह दीप प्रज्वलन मैंने गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। राष्ट्र देवो भव श्री स्वामी विवेकानंद जी को बहुत बहुत नतमस्तक और उनको बहुत बहुत हमारा प्रणाम। भाइयों बहनों, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण दिया था और आज उनके करीब 128 साल बाद CSR पर भारत विकास परिषद ये सेमिनार लेकर आई है आपके साथ। और शुरू करते हैं अब हम राष्ट्रीय गीत। सब लोग राष्ट्रीय गीत के लिए तैयार हो जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयजशीतलाम, सत्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। सुप्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, इसी गीत प्रज्वलन के साथ और भारत माता और स्वामी विवेकानंद जी को नतमस्तक करते हुए आज का हम प्रोग्राम शुरुआत करने जा रहे हैं राष्ट्रीय गीत के बाद। वेलकम। अभी अभी हमने दीप प्रज्वलन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया और भारत माता और स्वामी विवेकानंद जी को नतमस्तक करते हुए आज के ही हम प्रोग्राम की विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। मैं हूँ विकास मित्र सीए राम लक्ष्मण नौलखा, एक सदस्य भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत कन्वेनर आईटी सेल एंड नॉलेज टैंक। भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की CSR कमेटी जिसके मेंबर हैं श्री संतोष जी शर्मा एंड श्री प्रदीप जी चतुर्वेदी, और उन्हीं के साथ उन्हीं के सानिध्य में और उनके आशीर्वाद से मार्गदर्शन में भाइयों बहनों आईटी सेल नॉलेज टैंक कमेटी CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे भारत विकास परिषद इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इसकी फैसिलिटीज और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को समाज के लिए, कॉरपोरेट को समाज के लिए, एनवायरनमेंट को, सभी के लिए काम दे सकता है। भाइयों बहनों, ये सेशन पहला सेशन हमारा आज का होगा, 40 मिनट का सेशन होगा और इस 40 मिनट के सेशन में उसी के बाद 10 मिनट का इंटरवल होगा और 10 मिनट के इंटरवल के बाद हम आपको शेड्यूल 7 ऑफ द कंप्लीट एक्ट 2013 जिसमें CSR की एक्टिविटी स्पेसिफाइड की गई है और स्पेशली उसको हम कोरिलेट करेंगे भारत विकास परिषद के साथ कि भारत विकास परिषद उन एक्टिविटीज को समझ कर जान कर कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो ये आज का प्रोग्राम भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की ओर से आप सबकी सेवा में नॉलेज के लिए समर्पित है। हमारे बीच आ चुके हैं हमारे प्रांतीय प्रेसिडेंट श्री JP बियाला जी, और अगर आप आ गए हैं सर तो बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा आपका स्वागत करते हैं। हम वेलकम एड्रेस के रूप में मैं बियाला जी को निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वो कहें ताकि हम आगे प्रोग्राम को शुरुआत करें। संतोष जी शर्मा उसी समय में जुड़ने वाले हैं, वो अपना
पूरा पीएसआर का क्या मुंबई प्रांत के अंदर और भारत विकास परिषद में एक्सपोजर हो सकता है उसके बारे में बताइए। श्री जेपी बियाला जी नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। क्षमा चाहता हूँ, एक तो थोड़ा सा विलंब से जुड़ा और अभी मैं कहीं बाहर हूँ तो पूरी तरीके से जुड़ भी नहीं पा रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी को, विशेष तौर पे नौलखा जी और आज के जितने भी वक्ता हमारे हैं प्रदीप जी और संतोष जी, के सीएसआर पे एक बहुत अच्छा सेशन जो है आज ये गणपति उत्सव के दौरान किया जा रहा है, जिससे सभी शाखाएं और उनके पदाधिकारी दायित्वधारी जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं। इस लिहाज से हमने सोच करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है, तो अच्छा एक सेशन जाएगा इसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसा कि नौलखा जी ने विश्वास दिलाया है सभी को कि हम आज कुछ लोग शायद कम जुड़ पाएंगे, तो फिर से इस सेशन को अगर सक्सेस रहा या लोगों का इंटरेस्ट लगा तो हम फिर से एक बार ये कार्यक्रम करेंगे। और गणपति उत्सव चल रहा है, सबको गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैनियों का पर्युषण पर्व भी चल रहा है, सबको मैं भी क्षमा याचना करता हूँ मेरी तरफ से कि किसी भी वचन से, काया से, मन से, तन से, किसी भी प्रकार से किसी को कोई असुविधा हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आशा है कि आप बड़े हृदय के साथ में क्षमा करेंगे और भारत विकास परिषद के मुंबई प्रांत के और ऊंचा ले जाने में जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग होता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ऐसी उम्मीद है मेरी कि हम मिलकर के और भारत विकास परिषद मुंबई प्रांत को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है और ऑलवेज देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डायनेमिक प्रांत के प्रेसिडेंट जी जेपी बियाला जी। भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसी के तहत ये सीरीज हमारी सेशन, कुछ नॉलेज सेशन होंगे, कुछ बर्निंग इश्यूज होंगे, कुछ इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में होगा, कुछ हमारे संस्कार और सेवा और भारत का वाणिज्य और कॉमर्स के बारे में होगा। ये सीजन चलेगा लगातार। आज हमने लिया है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे सामने हमारे आज के पहले वक्ता और हमारे प्रांतीय कन्वेनर CSR डायनेमिक पर्सनैलिटी श्री संतोष जी शर्मा आ चुके हैं। भाई और बहनों, संतोष जी शर्मा को मैं और आपको किसी को परिचय के वो मोहताज नहीं है, क्योंकि वो खुद इतना भारत विकास परिषद में जुड़कर काम कर चुके हैं कि उनकी सेवाएं, उनको अगर सेवा सम्राट के रूप में कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन एक फॉर्मल आज की डेट में वो फंड रेजिंग और सिंडिकेशन ऑफ लोन, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एंड प्रेजेंटली खुद की अपनी एडवाइजरी संस्था इन्होंने चालू रख रखी है। Being a chartered accountant of more than 25 years experience as a practice, as a service, he has been the general manager, head in charge, treasury, CFO in many of the large NBFC and corporate houses. Also associated with many NGOs, जिसमें भारत विकास परिषद का नाम तो सबसे पहले आता है, और विप्रो फाउंडेशन, गॉड ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन और इस्कॉन ऑफ कोर्स। तो मैं निवेदन करता हूँ श्री संतोष जी शर्मा से, जो आज के प्रांतीय कन्वेनर के रूप में यहाँ पे CSR के कन्वेनर के रूप में अपना अपना क्या विजन चल रहा है, कैसे कर सकते हैं उसके बारे में अपने शब्दों से हम सबको नॉलेज देंगे। और हमारे बीच वैसे रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा हमारे रीजन सेक्रेटरी संस्कार श्री पाल मुकुंद जी गटियानी जी भी आ चुके हैं, अनूप जी हिम्मत, प्रदीप जी आ चुके हैं, हीरालाल जी आ चुके हैं, श्रीधर जी और जयप्री बियाला जी आके निकल गए हैं, गिरीश समुद्र जी, सबका बहुत बहुत स्वागत। श्री संतोष जी शर्मा, आई वेलकम यू सर, और अपना प्रतिवादन, आप अपना विचार रखें कि CSR को कैसे हम भारत विकास परिषद में और समाज में जोड़कर इसकी सेवा समाज में फैला सकते हैं। श्री संतोष जी शर्मा। धन्यवाद नौलखा जी, आज के इस अवसर पे पधारे हुए सभी प्रांत के जो भी हमारे ऑफिस बेरर से, बियाला जी, बालमुकुंद जी गट्टानी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, हीरालाल जी शर्मा, गिरीश जी और हमारे ऑलराउंडर हरफन मौला नौलखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी है। तक CSR की बात है भारत का परिषद में, अब ये कोई अनछुआ सब्जेक्ट नहीं है, अनछुआ विषय नहीं है, और हमने बहुत बार CSR का फंड यूटिलाइज किया है, जिसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा वैदिक मीरा रोड का जो स्कूल है, जो हमने उसमें करीब 25 लाख रुपया लगाया था, तब CSR खाली लोग जानते थे नाम से,
और हमने फंड्स उसी टाइम लगवा दिए थे कंपनी से इकट्ठा करके। तो बेसिकली तो जैसे हम सभी ऑफिस बेरर से हम सभी जानते हैं, एक चेंज आया है जब से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट में आया है। और वो चेंज जो है, वो परिवर्तन ये है कि पहले कोई भी कंपनी के जैसे प्रमोटर्स होते थे, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में डोनेशन देते थे, चैरिटी देते थे, वो धर्मशाला बनाना या जो भी CSR एक्टिविटी होती थी वो मेनली इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा होती थी। और इसको जैसे ही कॉरपोरेटाइजेशन किया है उसके बाद में तो फ्लो ऑफ फंड्स इतना बढ़ गया है कि स्काई इज द लिमिट। उसमें हम किस तरीके से इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें हमने बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जिसमें हमारा एक प्रेजेंटेशन बन रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें पूरा भारत विकास परिषद क्या है कॉरपोरेट को समझाने के लिए। बिकॉज क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है, अगर ये दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। हमारा जो काम है भारत विकास परिषद का, जनरली हम क्या करते हैं कि दिखाते कम है करते ज़्यादा है, बट कॉरपोरेट और ये सब जगह पे क्या है कि आपको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, और दिखाने के साथ साथ में उसको मतलब मॉनिटर करके और उसको इम्प्लीमेंट करना, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट की फैक्टर। और हम सभी प्रांत के कार्यकर्ता हैं, और मैं दिलीप जी माहेश्वरी अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे CSR के लिए RSS की जो विंग जो काम कर रही है, संजय जी वगैरह जो हैं उनके साथ जोड़ा, और अभी 18 तारीख को हमारा फिर से सेशन है, और जिस तरीके का उन्होंने एक पूरा ओवरव्यू दिया है, इट इज़ माइंड बॉगलिंग। कभी कभी हमें लगता है कि भाई ये NGO है, हम तो वॉलंटरीली काम करते हैं, कैसे फंड आएंगे, क्या करेंगे, बट जिस तरीके का एक पूरा मतलब वर्किंग बताई है उन्होंने, और मैंने भी जब सारी कंपनीज में बहुत बार डील किया है, तो हमें पैसे मिलने की मुझे नहीं लगता है कि कोई रियल में कमी है, ज़रूरत है वो अपने को सब चीज़ों को एक बार क्रिस्टलाइज करके, उनको चैनलाइज करके, और एक टीम बनाने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि उसमें भले ही पेड मेंबर रहें, मतलब पेड एम्प्लॉयज़ रहें, उनको एक स्पेसिफिक एक दो काम देने पड़ेंगे जो डेली बेसिस पे वो करेंगे, सब कॉरपोरेट से फॉलोअप करना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे कल मैं एक गणपति विसर्जन के समय एक दोस्त के घर पे गया था, उससे मेरी तो करीब करीब जहाँ पे मेरी बात होती है उसमें भारत विकास परिषद नहीं आए, ऐसा तो होता नहीं है। तो जब भारत विकास परिषद की बात आई तो उन्होंने यही कहा कि यार आप लोग CSR का पैसा लेते हैं क्या? कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जिस कंपनी में भले ही वो CFO नहीं है, भले ही वो डायरेक्टर नहीं है, लेकिन कोई भी अगर जान पहचान का अपना बंदा कोई रहता है जो अपने भारत विकास परिषद से समवे और अदर जुड़ा हुआ है, वो अपने लिए एक एंट्री पॉइंट है, उसको हम हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाए, एंड आवर वर्क शुड स्पीक रादर देन जस्ट पर्सनल टच कि भाई मैं हम भारत विकास से जुड़े हुए हैं, बट एक बार के लिए वहाँ अपने को एंट्री चाहिए, नहीं तो एंट्री मिलना मुश्किल होता है, एंट्री के लिए आप मतलब चक्कर काटते फिरते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे प्रदीप जी चतुर्वेदी हैं, मैं हूँ, और हमको एक टीम पूरी बनाने की ज़रूरत है, और फिर जितनी भी कॉरपोरेट्स है जिसमें कोई भी लेवल पे अपना बंदा है, जिसकी भी जान पहचान का है, वो भले ही चाहे अकाउंट्स में हो, भले ही वो मार्केटिंग में हो, भले ही वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एक बार उससे मिलने का अपने को एक एंट्री मिल जाती है, मिलने की एक एंट्री मिल जाती है, फिर वो जैसे बोलते हैं ना राजस्थानी में भाषा में मारवाड़ी में कि पहले अंगुली पकड़ के पूछो पकड़ लो, तो वो फिर आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है एंट्री करना। तो मैं सभी यहाँ उपस्थित महानुभावों से एक दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कॉरपोरेट्स में सारी शाखाओं को भी मैंने मतलब ऑलरेडी बताया है, उनसे भी कोऑर्डिनेशन इंस्पेक्शन चालू है, कि हमारे पास एक लिस्ट बन जाए कि ये कॉरपोरेट्स हैं, इस कॉरपोरेट में ये बंदा अपने से जुड़ा हुआ है, मेरे चाचा है, मामा है, ताऊ है, कोई भाई है, कोई फ्रेंड है, जो भी है, वो बनाने के बाद में जो अपनी PPT जो बाबा सिंह जी बना रहे हैं, बाबा सिंह जी को JP बियाला जी ने भी बोला है, मैंने भी उनको एक पूरा मटेरियल बना के दिया है, तो ये हमारी सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कलेक्टिवली हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको अगर ये अमाउंट में बताऊँ तो मतलब 50,000 करोड़ रुपया जो है वो एवरी ईयर CSR में जा रहा है। अब 50,000 करोड़ में हम 1% बोलना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं बोलता हूँ कि 1% का 1/10 कर दो,
0.10% भी अगर लेके आते हैं तो बल्ले बल्ले सब जगह हो जाएगी। तो अपने को मतलब इसको एक, मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप में, हमारी सबकी कलेक्टिव एफर्ट्स में इसको साइडलाइन एक्टिविटी नहीं करके इसको हम एक मेन एक्टिविटी करें और उसको एक प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करें कि इसमें इतना फंड कलेक्ट होगा और इसमें हमारे को इतने लोगों की ज़रूरत है जो जो लेडली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे काम करेंगे और उनकी सैलरी, उसका एक पूरा एक बजट बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि फिर अपने कोई भी काम पैसों की वजह से आज भी नहीं अटकते हैं, लेकिन आगे जाके हम और खुले मन से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये मतलब मेरी, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है, पूरा पूरी तरह से पूर्ण विश्वास है। और जहाँ तक कई बार क्वेश्चंस ये आते हैं कि भाई किस एक्टिविटी के लिए सीएसआर मिलेगा, क्योंकि भारत विकास परिषद की जितनी भी हम जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे संस्कार प्रोग्राम है हमारे, सेवा के प्रोग्राम है, तो हमने एक बार जो अपने कोंकण प्रांत के खेमानी जी हैं उनसे भी इंटरेक्शन किया था एंड वी हैव एनालाइज कि अपनी ज़्यादातर एक्टिविटी सीएसआर में फॉल होती है, चाहे भले ही वो फिर मतलब अपना गानों का जो प्रोग्राम है, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन होने दो कि एनजीएससी होने दो, कुछ भी होने दो, तो सब कुछ एवरीथिंग इज फॉलिंग इन आवर सीएसआर एक्टिविटी। द ओनली डिफरेंस इज कि वी हैव टू मेक प्रोजेक्ट एज ए स्पेसिफिक फोकस्ड प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि भाई चलो जैसे किसी ने 50,000 रुपया दे दिया और एनजीएससी में काम में ले लिया, चलो ये डोनेशन आ गया, वैसा नहीं चलता है। यू हैव टू मेक ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फोकस्ड वे में, इसका मतलब पूरा मॉनिटरिंग होगी, पूरा मतलब सब लोग मिलके वो काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सीएसआर इज गोइंग टू बी ए बिग 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 की ड्राइविंग फैक्टर फॉर भारत विकास परिषद। और जब मैंने एक बार अपने जो सेंटर में जो अपने ये हैं ऑडिटर जनरल संपत जी खुर्दिया से भी जिसे भी बात किया था, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपया कोई तो एक कॉरपोरेट ने उनको दिया है अंडर सीएसआर भारत विकास परिषद। तो जब 2 करोड़ रुपया, और ये नया रिसेंटली वो बता रहे थे कि जो अपना जो जिंदल का ट्रस्ट वो सब देते हैं वो इसमें शामिल नहीं है, दिस इज वेरी न्यू इनिशिएटिव टेकन। तो इसमें साथ में हमको मतलब नेशनल स्तर से भी पूरा एक गाइडेंस और उनका एक सपोर्ट चाहिएगा। तो हमारी जो सीएसआर एक्टिविटी है वो जरूरी नहीं कि हम बॉम्बे में ही सीमित हो, जहाँ तक नॉलेज का या आपस में कोऑर्डिनेशन की बात है, अक्रॉस द कंट्री जब होगा तो, और उसमें जरूरत कहाँ पड़ती है, कई बार मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई कॉरपोरेट में हम जाते हैं तो कॉरपोरेट वाले ये पूछते हैं कि भाई आपके जो ऑफिस बेयरर्स हैं, फ्रंट लाइन ऑफिस बेयरर्स कौन है। अब उनको हम बोले प्रांत में ये है, चलो प्रांत की तो ठीक है, नेशनल में कौन है, तो नेशनल में 1, 2, 3, 4, 5 और जो भी हमारे पैटर्न है, पैटर्न वगैरह जो जुड़े हुए हैं, उनको कभी कभार जाकर के हम उनसे कॉरपोरेट से मिलाए कि भाई हमारे, हम जो बात करें कौन है, लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इट इज़ नॉट द एक्टिविटी ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर प्लांट, प्लांट इज ड्राइविंग इट, बट पीछे कौन फोर्स है उनका सबका कई बार इंटरेक्शन करवाना, हो सके तो उनको कॉरपोरेट से मिलवाना एट अप्रोप्रिएट टाइम कि भाई ये एक हैवी वेट हमारा एक पैटर्न है, ये हैवी वेट हमारे ऑफिस बेरर है, जो भी एक मतलब हमारे आरएसएस विंग से जुड़े हुए कोई हैवी वेट है। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो दिखता है वो बिकता है, हम जो काम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कौन हमसे जुड़ा हुआ है, क्या हम कर रहे हैं, वो सारा एक अपन ढंग से अगर भी प्रेजेंट करेंगे। तो पिछले मतलब 3 महीने में मैंने इसके ऊपर बहुत इधर उधर सर्वे जैसा किया है, लोगों से मिला हूँ, सबसे पूछा हूँ, किया हूँ। शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि ये मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है अपने जैसे एनजीओ के लिए, ऐसा पहले एक परसेप्शन हो रहा था। पर जब 3 महीने में देखा छोटे छोटे एनजीओ अपने से ज़्यादा पैसे सीएसआर में लेके आते हैं, हमारी जितना उनका सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अपने से कई गुना पैसा वो लेके आते हैं, तो मैंने ये देखा कि वो लेके आ जाते हैं, हम क्यों नहीं लेके आते हैं। तो उसमें जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर लगा वो ये लगा कि भाई उन्होंने पूरा एक फोकस्ड वे में सीएसआर विंग रखा है और प्रोफेशनल्स थोड़े हायर किए हैं, प्रोफेशनल्स हायर करके और उनको मतलब वो सैलरी देते हैं, रोजाना उनसे काम करवाते हैं कि भाई ये आपको ये देखना है, उनसे कॉन्टेक्ट करना है, ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पीपीटी में कोई चेंज करना है। तो हम, मुझे बहुत क्लियर माइंड में है, मेरे माइंड में बहुत क्लियर है कि एक फोकस्ड वे में हमको ये करना पड़ेगा,
और एक फुल फ्लेजेड एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, एक फुल फ्लेजेड अपना डिपार्टमेंट रहेगा। बाकी जो कंप्लायंसेज की जहां तक बात है, कंपनीज एक्ट की बात है, शेड्यूल 7 जो भी कुछ इसकी है, उसमें हमारे पास नौलखा जी उसमें एक्सपर्ट हैं, वो मेरे बाद में सेकंड सेशन में वो सब सारी चीज़ें बताएंगी। लेकिन स्ट्रेटेजिकल लेवल पे मैं ये समझता हूँ कि अभी अपने को सारे प्रांतों और नेशनल स्तर को जुड़ करके एक फुल फ्लेजेड विंग बनाएंगे और वो फुल फ्लेजेड विंग बना के एक दो तीन परमानेंट एम्प्लॉई जरूरत पड़े उनको रखेंगे और फिर ये एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मतलब भारत विकास परिषद के अलावा दूसरा कोई बहुत बढ़िया कैंडिडेट सीएसआर के लिए हो नहीं सकता है मेरी नज़रों में। और अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार भी जो है हमारे विचारों से मिलने वाली सरकार आज सेंटर में है, तो ये सारी चीज़ें हमारे को मुझे लगता है कि पूरी तरह से चैनलाइज करके और एक साथ में मिलकर अगर भी करते हैं तो सीएसआर इज गोइंग टू बी ए बिग बिग बूस्टर फॉर द भारत विकास परिषद, नॉट ओनली मुंबई प्रांत बट अक्रॉस द कंट्री। तो मैं संपत जी से ऑलरेडी बातचीत कर रहा हूँ कि हमें एक नेशनल स्तर से भी उसका एक गाइडेंस मिलता रहे, या एक हम किनको देख रहे हैं, हमारे लीडर कौन है, उनकी अवेलेबिलिटी रहे, उपलब्धता, जब हम चाहें किसी कॉरपोरेट से मिलवाना है उनसे मिलवाना है वो आ जाएं चले जाएं। तो यही सब है। सीएसआर तो सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके ऊपर हम जितना बोले उतना कम है, क्योंकि इसमें सब कुछ भी काम करना है तो सीएसआर में हम ऐसा ले सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फुल फ्लेजेड एक्टिविटी ये होती है तो मैं समझता हूँ कि सीएसआर इज बिग बिग बूस्टर फॉर द भारत विकास परिषद प्रांत। अभी अगर भी बिकॉज मैं सीएसआर का कन्वीनर हूँ और बहुत समय बाद में हम मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो मेरे इस वक्तव्य के बाद में किसी की कोई अगर भी क्वेरी है तो आप 2-3 क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हो और इसके बाद में इसको हम कैसे आगे ड्राइव करके इसको कैसे फुल फ्लेजेड बनाए वो हम एक अलग से मीटिंग करेंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी, आपने बहुत बड़ा विजन और संकल्प दोनों ही बता दिया है, जो प्रांत को ही नहीं बल्कि नेशनल के पदाधिकारी को भी ध्यान में रखना है। आपको जानकारी दे दूंगा, आज हमारे यहाँ पे प्रांत लेवल से ऊपर के जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद है श्री बाल मुकुंद जी गत्यानी, और वो हमारे लिए एक मीडिएटर बन सकते हैं आपके सेमिनार का। आज का हम क्या संदेश देना चाहते हैं, मैंने भी अपने लेवल पे नेशनल को स्पेशली सजेशन दिया है कि सीएसआर में हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम सपोर्ट, नॉलेज क्यों नहीं हम डेवलप कर पा रहे हैं, जबकि हम हर चीज के लिए एलिजिबल हैं। हम एनवायरमेंट हो, पॉवर्टी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, समग्र ग्राम विकास योजना, जो इतनी बड़ी ग्राम विकास योजना है जिसको सिर्फ एक आदमी कर रहा है, क्यों नहीं हम ज्यादा लेवल पर इसको कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने, और हमें दिव्यांग सहायता, हमारा एक संकल्प है दिव्यांग सहायता एवं पुनर्वास योजना, अभी आप शेड्यूल 7 में देखेंगे कि ये सारी चीजें हमारे सीएसआर में कोऑर्डिनेट होती है। तो संतोष जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, मैं निवेदन करूंगा गच्चानी जी के कि हमारे संदेश को आगे तक लेके जाए, तभी हम रियल मात्रा में बड़े लेवल पे विजनरी और आगे बढ़ते हुए समाज और देश के साथ चलकर कर पाएंगे। नहीं तो हम अपनी पॉकेट से कितना किस लेवल तक पैसा सेवा और संस्कार में देंगे, ये लिमिटेशन हमारी सबकी है। संतोष जी ने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि हर काम को प्रोफेशनल वे में और दिखा के, यानी कि प्रेजेंटेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं भी देख रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन नहीं होता है और इसीलिए हम पीछे लैकिंग हो जाते हैं। भाई और बहनों, मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं एक प्रांत का यहाँ पे आईटी सेल और नॉलेज टैंक का कन्वेनर हूँ, और मैंने चूंकि सीएसआर का सर्टिफिकेशन कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से किया है, और इसीलिए मेरे को ये विचार आया कि क्यों नहीं हम संतोष जी जैसे डायनेमिक पर्सनालिटी को आज इस प्रोग्राम में लाए और हम सब जुड़ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और संतोष जी, बहुत अच्छी चीजें आपने बताई और मैं सोचता हूँ कि ये चीजों को सब लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये सेशन पूरा रिकॉर्डिंग है, इसलिए रिकॉर्डेड सेशन की मैसेज बिल्कुल जाने वाली है। हमारे नेशनल के जो पदाधिकारी हैं श्री बाल मुकुंद जी गच्चानी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द का है, और दिलीप जी माहेश्वरी जो हमारे प्रांतीय ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बाल मुकुंद जी, आप कुछ संदेश, संकल्प, आशीर्वाद हमें देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार सभी को, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया सेशन रखा आपने सीएसआर का, आज की जरूरत है। भारत विकास परिषद इस कार्य को बहुत बड़े आयाम पे करता है,
लेकिन जैसा कि संतोष जी ने बताया कि करना और बताना बहुत बड़ी बात है, हमारे को सीएसआर का पैसा जो बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं यूटिलाइज कर पाती है नहीं कर पाती है, बराबर करती है नहीं करती, लेकिन भारतीय विकास परिषद का 100% पैसा बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज होता है और उपयोग होता है, उसको सीएसआर के क्राइटेरिया में बिठाने के लिए केंद्र और सभी प्रदेश बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हल्का सा डर केंद्र को ऐसा रहता है कि कहीं पोलिटाइजेशन नहीं हो जावे, बस इस कारण से थोड़ा सा धीमी गति से चल रहे हैं। लेकिन अगले कुछ सालों में बहुत अच्छा इसके ऊपर बड़ा टीम बन जाएगा। संतोष जी जैसे, आप जैसे, मल्का जी जैसे, जैसे जितने भी अपने सीएसआर के रिलेटेड काम करने वाले या काम करना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम होएगा और इसकी बड़ी बड़ी रूपरेखा भी बन रही है। जहां तक मैं केंद्र से जुड़ा रहता हूँ और बातें करता रहता हूँ या मीटिंग में रहता हूँ, उससे पता चल रहा है कि अभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बट इस पे गति होना चाहिए और जल्दी सीएसआर का पैसा भारत विकास परिषद बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करे या करती रहे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा सब जने करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए, दोस्त सब के लिए बुलाया। और दूसरी बात मेरा एक ये भी है कि भारत विकास परिषद के सभी जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें हर चीज और हर कार्य में सीएसआर का फंड यूटिलाइज हो सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन भी बन रहा है, हर स्टेट के प्रेजेंटेशन आ रहे हैं और केंद्र भी इसको संक्षिप्त बनाकर बहुत अच्छी रूपरेखा सबको देगी, बहुत जल्दी देने वाली। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बालमुकुंद जी आप आए और आपने जानकारी दी, हमारा कॉन्फिडेंस और हौसला बढ़ाया। कोंकण प्रांत से मौजूद है प्रांतीय सेक्रेटरी जो रह चुके डायनामिक पर्सनालिटी श्री दिलीप भट्ट जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और स्वागत के बाद ये सेशन जैसा कि मैंने बोला 11:40 पे हमारा ये खत्म होगा, 11:40 के बाद 10 मिनट का इंटरवल होगा, 11:50 से 12:30 तक मैं इस सेशन को शेड्यूल 7 से रिलेटेड करते हुए एक्टिविटीज को हाईलाइट करूंगा और साथ में एक ओपन हाउस डिस्कशन भी लास्ट में रहेगा, अगर किसी को कुछ रिप्रेजेंट कहना हो बात को कहेंगे। तो भाई और बहनों मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs जो इंटरनेशनल लेवल पर 193 कंट्रीज ने एग्री किया है 2015 से, भारत भी उसका सदस्य है, एक्टिवली कर रहा है, 2030 तक वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे के सारे आपको बता दूं हमारे CSR एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो पॉवर्टी हो या फिर एजुकेशन हो या एनवायरमेंटल की बात हो। तो प्लेनेट, पीपल एंड प्रॉस्पेरिटी ये, और उसके बाद पीस एंड हार्मोनी, ऐसे 17 गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो भारत सरकार ने, हमारे भारत विकास परिषद की एक्टिविटी सब उसमें आती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, भारत विकास परिषद की हर एक स्कीम में कुछ न कुछ रूप में भारत विकास नेशनल भारत सरकार भी जुड़ी हुई है भाई और बहनों। क्लीन नमामि गंगे, क्लीन वाटर में इक्वलिटी, क्वालिटी एजुकेशन, पढ़े भारत बड़े भारत, सर्व शिक्षा अभियान और पॉवर्टी में है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, और फिर क्लाइमेट में है ग्रीन गुड डीड्स जिसका हमने लास्ट टाइम बताया भी था आपको, हमारे भारत को जानो के जो भारत को जानो का 17वां अखिल भारतीय जब हमारा हुआ था प्रोग्राम मुंबई में, तब डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो क्लाइमेट और एनवायरमेंट के चेयरमैन है उन्होंने बहुत जोर शोर से हमें शिक्षा दी थी। भाई और बहनों आज के इस सेशन की मेरी उद्देश्य यही है कि हम जागृति लाएं, हम अवेयर हों, अवेयर तो सब हैं, हम सब प्रबुद्ध लोग हैं, हम सब एजुकेटेड हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन एक चेतना की जरूरत है, एक प्रेजेंटेशन की जरूरत है, एक आगे उसको बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि संतोष जी ने बोला 50,000 करोड़ रुपए, मेरे फिगर के अनुसार जो 2018 का फिगर है वो 70 से 75 हजार करोड़ से ज्यादा अलोकेशन हो रहा है। रिलायंस अकेला फाउंडेशन में 1,000 करोड़ रुपए इसके अंदर मतलब कर रहा है। अलग अलग तरीके से सीएसआर के पैसे को हम कंपनीज कैन इन्वेस्ट, भारत विकास परिषद क्यों एलिजिबल है उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास हमारा ट्रस्ट है, हमारी सोसाइटी है, ATG है, 12A है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में हम रजिस्टर्ड है, ISO
सर्टिफिकेशन हमारे पास है, और सबसे बड़ी बात है कि न केवल 3 साल के रिक्वायरमेंट की जो कंडीशन है कि जीएसआर की एक्टिविटी 3 साल ट्रस्ट के द्वारा कैरी होगी तो उसको जीएसआर करने को मिलेगा, हमारे पास तो 57 साल का अनुभव है 1963 से भारत विकास परिषद ये सारी सेवाएं कर रहा है भाई और बहनों। तो आइए हम छोटी सेवा और बड़ी सेवाओं को एक्सप्लोर करें और भारत विकास परिषद की सीएसआर के कार्यक्रम में जुड़े और अपनी नॉलेज को शेयर करें। और कुछ इस सेशन में बोलना चाहेंगे क्योंकि 10 मिनट का और सेशन है, मैं अपनी जानकारी दूं तो दिलीप भट्ट जी यहाँ है। दिलीप भट्ट जी आप भी काफी अनुभवी और काफी कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है आपको सर सीएसआर के बारे में, कोंकण प्रांत में कुछ चल रहा है प्रोग्राम? हाँ नमस्कार सभी को, पहले वंदे मातरम। वंदे मातरम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी है। मैं एक्चुअली थोड़ा लेट जुड़ा, आज संतोष जी का सुनना था बट मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, इसके लिए पूरी बारी मैं सुन नहीं पाया। मेरी बहुत इच्छा थी कि इनसे कुछ जानकारी मिले, बाकी अभी फिलहाल मेरे को इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसी के लिए जुड़ा हूँ ताकि कुछ समझ में आ जाए, सीखने को आए कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये आगे का जो सेशन होता है 11:50 से 10 इंटरवल के बाद, उसमें आप जुड़े, उसमें मैं एक्टिविटीज के बारे में आपको हाईलाइट करूंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है और भारत विकास परिषद उसको कैसे अपने कल्चर में अपने डे टू डे सेवा कार्य में ला सकता है, वो आइडिया भी मैं आपको दूंगा। वैसे संतोष जी ने ऑलरेडी दिया है लेकिन वो भी मैं दूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए मेडिकल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर श्री अनिल शुक्ला जी, मेडिकल में तो बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ सीएसआर अपना फायदा भारत विकास परिषद के माध्यम से ले सकती है और दे सकती है। संपर्क से सहयोग और सहयोग से संस्कार और संस्कार से सेवा और सेवा से समर्पण का नाम है भारत विकास परिषद, जो भारत के स्वर्णिम अतीत को ही एक भविष्य के साथ जोड़ने का सेतु निर्माण करने के लिए कृत शपथ है, कृत शपथ है। तो भाई और बहनों, भारत विकास परिषद स्वस्थ समर्थ और संस्कारित भारत हम के लिए जुड़े हुए हैं, मातृभूमि की सेवा में समर्पित प्रबुद्ध नागरिकों का एक विशिष्ट संगठन। कुछ ही समय बाद इसी महीने के एंड में हम एक और बहुत बड़ा सेशन लेके आ रहे हैं जिसमें क्वालिफाइड पर्सन्स रहेंगे। आज के डेट में भारत के अंदर बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं जो एकता और अखंडता को प्रभावित करने के लिए जुड़ी हुई है, चाहे वो फॉरेन फोर्सेज हो चाहे इंडियन फोर्सेज हो, तो उसके ऊपर जिसमें आप जनसंख्या नियंत्रण कह सकते हैं या CAA कह सकते हैं या और भी हिंदुत्व को डिसमेंटल करने की बात है या किसी भी तरह से धर्मांतर हो या कोई भी हो, जो समस्याएं हमारा देश आज फेस कर रहा है उसके ऊपर आप सबके विचार जानने के लिए एक सेशन इसी महीने में रखा जाएगा। आफ्टर ऑल कैसे हम भारत विकास परिषद के लोग भारत की एकता और अखंडता को कायम रख सकते हैं, ये सेशन भी रहेगा। और उसके बाद एक सेशन रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, जिसकी जानकारी इस साल से ऑलरेडी 21-22 से चालू हो गई है, और इसी तरह से बहुत सारे सेशन। एक कला एंड संस्कृति जो हमारा भारत विकास परिषद का एक मोटो भी है, एम एंड ऑब्जेक्ट भी है। आपको ये बता दूं कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो भारत विकास परिषद का हेड ऑफिस में जो वेबसाइट पर रखा डाला गया है उसमें एक एम एंड ऑब्जेक्ट में एक है Schedule 7 एक्टिविटीज एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो वो एक्टिविटीज को जानने के लिए कुछ ही देर की आपको इंतजार करनी है। 10:40 पे हम ये सेशन को क्लोज करेंगे, 11:40 पे, और 11:50 पे वापस इसी लिंक पर हम जुड़ेंगे और जुड़कर आगे की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ी चीजें और बता दूं मैं आपको, देखिए CSR का वैसे तो सोशल मीडिया पर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे YouTube वीडियोज भी है, CSR क्या है क्या नहीं है सारी जानकारी लोग दे रहे हैं, मैं भी यहाँ दिखा सकता था वीडियो लेकिन आप सब लोग क्योंकि इसमें हैं। एक बजरंग पूनिया, आप मैंने नाम सुना होगा, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो नहीं मिला पर एक मेडल मिला है, उन्होंने भारत में आकर क्या बात कही बड़ी, बजरंग पूनिया ये हमारे ओलंपिक में पार्टिसिपेंट थे इंडिया से, उन्होंने कहा कि CSR से खेल शिक्षा स्वास्थ्य को विकसित करूंगा। एक इंडिविजुअल इतना बड़ा संकल्प ले रहा है तो भारत विकास परिषद क्यों नहीं लेना चाहिए संकल्प। तो भाई और बहनों, इसी तरह की और भी बातें हैं मेरे पास,
रूरल इंडिया के बारे में, अलग अलग बायोफार्मा, कोविड वैक्सीनेशन प्रमोशन, कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस, ये सारी चीजें शेड्यूल 7 में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप में से और भी कोई अनुज हिम्मत राम का जी, अगर आप कुछ कहना चाहें सर, तो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय और है। इफ यू वांट टू से समथिंग, बिकॉज इंटरेक्टिव सेशन चलना चाहिए मेरी इच्छा से। श्रीधरन जी, हीरालाल जी, हीरालाल जी हमारे विकास मतलब रत्न है, विकास रत्न श्री हीरालाल जी शर्मा। हीरालाल जी कुछ कहना चाहेंगे सर आप? आप परमानेंट प्रोजेक्ट के कन्वेनर भी है मुंबई प्रांत में। अनुप जी, हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी सर, आज ये जो सेशन आपने रखा है ना, ये सेशन के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में बड़ी उत्कंठा थी इसके बारे में जानने के लिए कि भाई हम सीएसआर से किस तरीके से हम अपने भारत विकास परिषद के अंदर में कोई भी उपयोग या उपलब्धता हम ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जानकारी में है कि जेबी नगर ब्रांच से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और अपनी जेबी नगर ब्रांच के अंडर में एक अपने गौशाला चला रहे हैं तलासरी के अंदर में, तो वहां पर भी साल के 40-45 लाख रुपए की फंड की जरूरत रहती है। तो ये सीएसआर के माध्यम से हम काफी फंड, सिर्फ गौशाला ही नहीं, वरन हम जैसे आपने बताया कि भी एनजीएससी का प्रोजेक्ट है, भारत को जानो प्रोजेक्ट है, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन है, विकलांग सहायता है, बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम है, इस तरह कई कार्यक्रम अपने सभी ब्रांचे मिलकर कर रही है। तो ये सीएसआर के माध्यम से हमें बहुत अच्छा पैसा अगर मिलता है तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारी नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए जैसा आपने कहा कि इसका प्रेजेंटेशन जो है, एक जो वीडियो प्रेजेंटेशन जो है, हम कहीं भी जाएं वहां पर हमारे सारे प्रोजेक्ट को उस वीडियो के अंदर में एनरोल किया जाए, ताकि हम चाहे मैं इंडिविजुअल जाऊं या चाहे अपने ग्रुप के हाथ में जाऊं, हम सब मिलकर जाएं, जहां भी 2-4 दिन जाके हम प्रेजेंटेबल हों, तो ये हमें बहुत सहायता करेगा। मैं जानता हूं, ऐसे मेरे सामने भी ये बातें आई हुई है कि सर आप अगर सीएसआर में लेना चाहते हैं, आप सीएसआर के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है, आप क्या करते हैं, कौन कौन जुड़े हुए हैं, इस तरीके की काफी बातें आती है। तो हमारे प्रबुद्ध लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो पहले भी जो जुड़े हुए थे, जैसे धानुका जी, डी आर धानुका जी जो हमारे हाईकोर्ट के जज रहे हुए, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नेशनल लेवल के ऊपर कई लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों का विवरण अगर हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो नो डाउट हमें बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल अनुप जी, आपकी गौशाला के बारे में आपकी जो ब्रांच के लोगों से मेरा बहुत बार डिस्कशन हुआ कि कैसे आप गौशाला में फंड रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्शन नहीं हुआ आपकी ब्रांच से। मैंने ही बोला था कि एक थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन एक गौशाला का प्रेजेंटेशन बनाइए और उस प्रेजेंटेशन को वर्ल्ड लेवल पे आप स्प्रेड करिए सोशल मीडिया और अपने कॉन्टेक्ट लेवल। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ऐसा है नौलखा जी, मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, अगर थोड़ी सी इसकी रूपरेखा अगर मुझे मिल जाए ना, तो ये प्रेजेंटेशन मैं खुद बना के दूंगा। बस कि थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए कि मुझे इसके अंदर में क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, किस शुरुआत कहाँ से करनी है और खत्म कहाँ करना है। एक चीज सर बता दूं कि गौशाला के लिए डायरेक्ट दान या पैसा सीएसआर में नहीं आता है, लेकिन गौशाला के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, चाहे वो शेड हो, उसके लिए आएगा, उसके रूम्स हो, चाहे उसकी बाड़ी हो या कोई भी हो, तो एक तरीका बता सकता है कि वो जो पैसा हम सेट में लगा रहे हैं उसकी जगह हम सीएसआर से लें, लार्ज स्केल पे उसको लाएं